बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जैपी बर्ड व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज जो है हमारे पास कुछ फैंसी मुर्गियाँ वगैरह आई हैं मार्केट में। वैसे भी आज कल मुर्गियाँ वगैरह शॉट हैं, और साथ में एक रैबिट का चंगूरा का जो है प्यार हमारे पास आया, उसके भी थोड़ी डिटेल से बात करेंगे, उसकी प्राइस वगैरह भी जानेंगे, और इसमें चंगूरा भी होते हैं और जॉइंट भी होते हैं, उसके ऊपर हम ऐसे में से पता करेंगे कि इसकी क्या पॉजिशन निशानी होते हैं, मतलब हमें कैसे मालूम होगा कि ये जॉइंट है और ये इंग्लिश है। और मजीद जो है जो फैंसी मुर्गियाँ वगैरह आई हुई हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, और उनकी प्राइस वगैरह भी पूछेंगे, और पता करेंगे ये कितने तकरीबन टाइम के अंदर ना जो है फैंसी मुर्गियाँ वगैरह ब्रीडिंग पे आ जाती हैं। तो चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं फिर करेंगे, बर्ड्स भी देखेंगे और उनकी प्राइस वगैरह भी पता करेंगे। तो चलते हैं जी, करते हैं स्टार्ट माशाल्लाह से रैबिट्स और फैंसी रैबिट्स हैं, इनका भी पता करते हैं, और मुर्गियाँ वगैरह पड़ी हैं। तो क्या कहते हैं जी असेंबली, करें स्टार्ट? तो चलते हैं जी असेंबली के पास, इनकी प्राइस भी पता करते हैं और साथ साथ में इनकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और क्वालिटी वगैरह भी आपको बताते हैं। तो अच्छा, तो असेंबली जैसे कि हमारे पास गोल्डन सबराइट देखने को मिल रहा है, इसकी क्या एज है और क्या प्राइस है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे इसकी दें। जी जी बिल्कुल, ये गोल्डन सबराइट है और एज इसकी तकरीबन है कोई 5.5 मंथ होगी, मतलब लेइंग के लिए इसको 15 से 20 दिन और दरकार है। और माशाल्लाह से ज़रा आप इसकी क्वालिटी चेक कर लें, क्वालिटी कितनी बेस्ट है इसकी, फ्लावर इसकी जो कलरिंग है वो भी चेक करें, और जो इसके डिज़ाइन है वो भी आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। और क्या कैसे तकरीबन कितना बताया आपने, 6 मंथ में ये ब्रीडर हो जाते हैं? बिल्कुल, ये तो खुराक पे डिपेंड करता है, अब कोई 6 और कोई 7 महीने भी लगा देते हैं, अच्छी खुराक दी हुई हो तो 6 महीने में 5.5 महीने में ब्रीड कर देते हैं, और अगर देसी दाने पर पाला हुआ हो तो फिर 7 महीने में ठीक हो गया। अच्छा, तो साथ में इसकी हमें थोड़ी सी प्राइस वगैरह बता दें। यार इसकी प्राइस अगर ऑनलाइन अगर देखी जाए तो 7 से 8 हज़ार, इससे कम नहीं मिलता, ठीक है, 9 हज़ार भी लोग मांग रहे थे। तो ये आपकी व्यूवर्स के लिए खास ऑफर दे रहा हूँ, ये 5 हज़ार रुपये का पेयर मिल जाता है, हालांकि 5 हज़ार का पेयर हम होल सेल पर देते हैं सिर्फ, होल सेल से मुराद ये है कि कोई ज़्यादा पेयर अगर लेता है तो तब तो आपका कोई कस्टमर एक पेयर भी उसको चाहिए हुआ तो इस प्राइस में मिल जाएगा, आपका नाम ले लेते हैं। अच्छा, तो ऐसा भी मुझे एक बात और इसमें बताते चलें, मेरे हिसाब से तो मेरे ख्याल में अभी जैसे ये अडल्ट हैं पट्ठे वगैरह हैं, अगर ये लेना बेस्ट है या बड़े मतलब ब्रीडर जैसे पीछे से ब्रीड करके आ रहे होते हैं वो लेना बेस्ट है, उस हिसाब से मैं बता दें। यार ऐसे है कि आपके हिसाब से मैं बताऊं तो जो यंग एज के होते हैं, मतलब जो फर्स्ट टाइम ब्रीड करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ़ायदे से मुराद ये है कि एक तो उन्होंने आपके पास यंग होते हैं, पहली दफ़ा ब्रीड करते हैं, आगे चलते रहते हैं और इतनी जल्दी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि बाकियों को आपको पता नहीं होता वो कितनी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। सही है, तो कितने पेयर हैं अभी ये आपके पास आए हैं? मेरे पास पहले काफ़ी सारे थे, अभी मेरे पास 3 पेयर रह गए, 3 पेयर रह गए, और साथ में ये जो पड़े हैं ब्लैक में, ये क्या चीज़ है, मैं इसका बता जैपनीज मोटल बेंटम। अच्छा ठीक है, तो इसकी क्या प्राइस है और इसका क्या हिसाब होता है? अच्छा, इसकी प्राइस भी यही होती है, 5 से 6 हज़ार होते हैं, मगर ये आपकी व्यूवर्स के लिए 4,500 रुपये का एक पेयर मिल जाएगा, और माशाल्लाह इसकी क्वालिटी भी देखें इसकी, ठीक है। सर भैया एक और ये है छोटा सा सवाल कि यार इसका नाम तो आपने थोड़ा सा मुश्किल बताया, क्योंकि मुझे खुद भी इसका नाम लेना मुश्किल होता है, तो ये बताते हैं ये नस्ल कौन सी है, मतलब किस तरह ब्रीड होती है? वैसे जो इसमें मुझे देखने को मिल रहा है ये बेंटम की थोड़ी उसमें है, या इंग्लिश गेम जो होते हैं उस साइज़ में है, तो इसका मज़ीद हमें डिटेल में बताएँ कि नाम मज़ीद और थोड़ी सी। जी जी यार, ये जो मैंने आपको नाम बताया ना, जैपनीज मोटल्ड बेंटम, ये तीनों अलग अलग ब्रीड्स हैं, ठीक है। मोटल्ड कहते हैं जो इसके अंदर फ्लावर मतलब आपको डोटी डोटी नज़र आ रहे हैं, उसको मोटल्ड कहा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो फ्रीजल है ना, फ्रीजल से मुराद होता है उल्टे पर, अब इसके आप देख सकते हैं इसके उल्टे पर हैं, पर उल्टे हुए में इसके, ठीक है, इसको मोटल कहते हैं। और ये बेंटम में आता है, जैपनीज में आता है, जैपनीज बेंटम से मुराद है जिसका साइज़ बिल्कुल कम होगा, तो जैपनीज मोटल बेंटम, ये तीनों इसमें आ जाते हैं। तो इसके कितने पेयर आपके पास पड़े हैं? इसके मेरे पास 2 पेयर रह गए, एक वहाँ पे भी रह गया जी। और इनकी एज क्या है? ये ब्रीडर हैं? ये ब्रीडर हैं, आप इसके मुर्गे की कलगी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा ब्रीडर है। तो चलते हैं जी, जैसे मैंने आपको बताया रैबिट्स हमें इधर देखने को मिल रहे हैं, और घर से आज ही आए हैं रैबिट्स, घर के ब्रीडर पेयर हैं, इसकी जो है थोड़ी सी मालूमात ऐसा भी से लेते हैं। ऐसा भी मुझे ये बताएं, ये ब्रीडर पेयर है? सर ये 2 फीमेल हैं, ये बच्चा अभी लेके आया, इसके घर पे रखी हुई थी, और मेल इसका मर गया था, और ये इसकी 2 फीमेल हैं, और माशाल्लाह से इंग्लिश अंगूर है, ये चेक कर सकते हैं हेड,
हेड में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं है, मगर माशाल्लाह से बहुत अच्छा पेयर है। ये भी पेयर नहीं है, दो फीमेल हैं, मगर इसका मेल मर गया था। ये इस बच्चे ने घर पे रखे हुए थे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन भी मुझे एक और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते चले। इसमें एक आता है जॉइंट अंगूरा, उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है, मतलब कैसे हमें मालूम होता है कि ये इंग्लिश है या जॉइंट है? जॉइंट में फ़र्क सिर्फ ये होगा कि ये जो इसका हेड है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये इसका मुंह क्लियर होगा, आम खरगोश की तरह होगा, ठीक है, और यहाँ पे इसके ये बाल चल नहीं आएंगे, बाकी उसके सारे बाल आएंगे। और साइज सेम होगा? साइज सेम होगा, बल्कि उसका थोड़ा सा बड़ा होगा इससे। अच्छा, तो इनकी क्या प्राइस है इन दोनों फीमेल? यार ये दो फीमेल हैं, ये 8,000 रुपये की एक फीमेल है, मगर जिसको चाहिए भी उसी उसके लिए कर देंगे। और जॉइंट अंगूरा जो होता है उसका क्या रेट होता है? उसका रेट 5-6 हज़ार का पेयर, अच्छा पेयर मिल जाता है। अच्छा पेयर मिल जाता है। अच्छा जी, थोड़े से हम इधर आ जाते हैं डाउस पे, क्योंकि ये थोड़ी सी जो है हमारे पास, मतलब पहले हमने जो व्लॉग बनाया था कबूतर में उनमें रह गए थे, तो इनका थोड़ा रेट्स वगैरह पता कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक जगह सेटअप आया था माशाल्लाह से, देख रहे हैं तादाद में, और सारे ब्रीडर पेयर हैं, कुछ इनमें सेल हो गए हैं, थोड़े से हम लेट हो गए हैं, लेकिन जो पड़े हैं उनकी प्राइस वगैरह हम असेंबली से पता करते हैं। असेंबली डब्स के थोड़े रेट बता दें। जी जी, माशाल्लाह ये हमने ब्रीडर जारी किए हुए थे, एक पूरी कॉलोनी थी, और माशाल्लाह से कोई भी पटा नहीं है इसमें, सारे के सारे ब्रीडर हैं, और जो इसकी सेल है वो 1,000-1,200 रुपये से कम नहीं करते, मगर ये फुल एंड फाइनल दे देंगे 900 रुपये का पेयर। ओके तो ये था जी हमारे पास जो आज बर्ड्स आए थे, माशाल्लाह बहुत क्वालिटी में बर्ड्स हमारे पास थे। और एक चीज़ हम जो भूल रहे थे वो है हमारे पास ये ग्रीन पिजन, ये दिखाना तो मेरा बनता ही बनता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आँखों से इधर हो गए थे। ये बड़ी क्लास की चीज़ है जी, फर्स्ट टाइम आई है। इसकी प्राइस क्या है एसएनबी, और मज़ीद अगर कोई इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड है तो बता दें। यार ये एज में अभी कम है, ये अभी तकरीबन जी पट्टे हैं कोई 2.5 महीने के ना, और ये इसने अभी कलर साफ़ नहीं किया, ये कलर अच्छा कर देंगे बिल्कुल। अभी देखें भाई, तो छोटे पीस हैं ये, मगर ये अपना कलर बिल्कुल अच्छा सा कर देंगे। अभी देखें ये कलर थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं, ये बिल्कुल डार्क कर देंगे अपने आप को। ठीक है, तो ये बताएं मुझे इसका ग्रीन पिजन जैसे नाम है, ये कबूतर में कहलाते हैं या डब में? जी जी, ये कबूतर होता है, जो डब होती है ना वो भी, उसको फ्रूटी डब कहा जाता है, जो कलरिंग में होगी उसको फ्रूटी डब कहा जाता है। हाँ, क्योंकि सेम मुझे फ्रूटी डब की तरह ही लग रहा था जी। तो इसका कितने का पेयर दे रहे हैं आप? यार इसका पेयर दे देंगे 6,000 रुपये का। 6,000 जी। तो ये था जी हमारे पास बर्ड्स एसएनबी के पास, जो मैंने आपको दिखा दिया और साथ में इन्फॉर्मेशन भी ले लिया। तो यार एक बात मैं बताऊँ, जो आजकल जो है इतना ज़्यादा मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रहा, क्योंकि एक तो जो है इतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे। भाई आप लोगों की सपोर्ट है, आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि जो है मैं आप लोगों के लिए मज़ीद व्लॉग जो है मार्केट के रिलेटेड आपके लिए ला सकूँ, और रेट्स वगैरह से आपको आगाह करता रहूँ ताकि। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अब तक के लिए इतना ही, मुझे रखेगा अपने दुआओं में याद, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।